चलिए बेटा, लेट अस डिस्कस अबाउट इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है और ये मैंने इसका प्रोडक्ट दिया है। यहाँ पर समझते हैं कि क्या रिएक्शन में दिया गया है, क्या मैकेनिज्म है और ये प्रोडक्ट कैसे बना। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो अगर मैं इस बेंजीन रिंग के हिसाब से देखूं तो यहां पर देखिए ये किसी ऐसे गामा कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास COH ग्रुप है, या हो सकता है किसी ऐसे बीटा कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास COH है, या फिर COCl है। तो ये रिएक्शन वहां पर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन कैसे हुआ। देखिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है और इसकी जगह पर ये सी डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आकर के अटैच हुआ है। ये रिएक्शन में हो रहा है। अब देखिए ये एच और OH एज ए वाटर बाहर निकल जाएंगे और ये कंपाउंड बन गया। लेकिन ये कैसे बना, हाउ इट हैज हैपेंड, मैकेनिज्म क्या है इस चीज का। देखिए यहां ये हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH किस तरीके से बाहर निकल रहा है, हाउ द OH इज गोइंग आउट। देखिए बेटा क्या है कि मैंने यहां पर HF मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया है, आई यूज्ड HF ओवर है। ये जो HF है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो कर सकता है, राइट। यहां पर ये जो ऑक्सीजन एटम है बेटा, ये ऑक्सीजन एटम जो है इस H+ की तरफ अट्रैक्ट होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फर्स्ट स्टेप है, ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इन इस ऑक्सीजन का जो डेल्टा नेगेटिव है वो इस हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन शो करता है। देखिए ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। So this delta negative is attracting this delta positive to start, ठीक है। जैसे जैसे ये अट्रैक्शन होता है, ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास आते हैं बेटा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको ये ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करने लगता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास इसको बना देता हूं, ये पहला सी गामा है, ये आपके पास बीटा है, ये आपके पास अल्फा आ गया और ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पाई बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से इस तरफ अगर शिफ्ट हुआ प्यारे बच्चों, इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के साथ ये पॉजिटिव चार्ज कंबाइन कर जाएगा, राइट। अगर ऐसा हुआ तो यहां इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, इस कार्बन के ऊपर आ जाना चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको यहां पर अभी बना करके दिखा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, राइट, ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहां आया तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। अगर ऐसा हुआ तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो आपके पास इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब ये हाइड्रोजन जो मैंने यहां दिखा रखा है, इन भाई साहब को जरा वापस बुलाते हैं, भाई साहब आप इधर आ जाएं, ये हाइड्रोजन आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखिए जो हाइपर कंजुगेशन की बेसिक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है कि ये अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और वो जुड़ा हुआ है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन होने का मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ
इस तरीके से जो है पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं यहां पर कि ये CH2, ये गामा, ये बीटा, ये अल्फा, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये यहां ऐसे जुड़ा, राइट। जब ये जुड़ा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया था, तो अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, ए प्लस, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, राइट। और यहां पर हमारे पास वो हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कंजुगेशन में यहां से निकल जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, अब हाइपर कंजुगेशन की रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास है, ये इस तरीके से यहां पाई बॉन्ड बन गया, ट्रांजिशन स्टेट खत्म हुई और हम लोगों को मिल गया ये कंपाउंड, राइट। और साथ में क्या मिल गया, H प्लस। अब वो जो H प्लस यहां से निकला है और ये जो OH यहां से निकला था, ये H प्लस और ये OH माइनस, ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर। और जो HF है ये क्या बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, जैसे पहले था वैसा का वैसा भी रिएक्शन मीडियम में बैठा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म।